अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज जुम्मत मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अपनी दुआ में अपनी बहन को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपकी बहन फिर से आ गई है एक और सिंपल सी रेमेडी लेके। विंटर शुरू हो चुका है और विंटर शुरू होते ही सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है आपके हेयर्स के लिए कि आप जी भर के ऑयलिंग कर सकते हैं, जी भर के डीप ऑयलिंग कर सकते हैं और जितना मर्जी चाहे हैवी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि बहुत सुकून आएगा, बहुत 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 रिलैक्सेशन मिलेगी। अब एक बार करके देखिए, अगर आप बहुत थके हुए हैं, सर में दर्द हो रहा है, तो एक बार डीप ऑयलिंग करके देखें। आपको इतना सुकून मिलेगा, इतनी राहत मिलेगी कि आप कहेंगे भाई क्या ही मज़ा आ गया ऑयलिंग करके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी जो आज से पहले शायद आप लोगों ने सुनी होगी। बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो आज जान जाएंगे कि वो अहम चीज़ जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरिश कर सकती है, आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, आपकी जो स्कैल्प है उसको हेल्दी कर सकती है। और हेल्दी स्कैल्प मतलब हेल्दी हेयर्स। फ्रेंड्स, डीप ऑयलिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके बाल हेल्दी होते हैं, आपके बालों का फ्रिज चला जाता है, आपके बालों को पता चल जाता है भाई इस तरह से हमने मैनेजेबल रहना है, मैनेज के साथ हमने रहना है, डिसिप्लिन के साथ हमने रहना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपसे चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो है ये, भला जानिए क्या चीज़ है, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ आई क्या चीज़ है। चलिए आपको बता देते हैं, ये है देसी घी। जी जनाब, देसी घी से आज हम अपने बालों में डीप ऑयलिंग करने वाले हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये कितना हेल्पफुल है आपकी हेयर्स के लिए, स्पेशली आपके स्कैल्प के लिए। क्या कमाल की चीज़ है फ्रेंड्स। 10 दिन में अगर आप एक बार इससे डीप ऑयलिंग करते हैं, 10 दिन में टाइम नहीं मिलता तो 15 दिन में एक बार कर लीजिए, यानी कि महीने में 2 बार अगर आप इससे डीप ऑयलिंग करते हैं, यानी कि देसी घी से डीप ऑयलिंग करते हैं, तो आपका हेयर्स बहुत हेल्दी हो जाएंगे, आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। फ्रेंड्स, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने बालों को हेल्दी ग्रो कर सकते हैं, आप अपने स्कैल्प को बहुत हेल्दी कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सीज़न के लिए। फ्रेंड, अभी ये सारी चीज़ें अपने बालों को दे देते हैं इस विंटर सीज़न में, तो यकीन करें गर्मियों में आपको बहुत ऑयलिंग करने की तो ज़रूरत पड़ने वाली ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज से अपने बालों पर रहम कीजिए और डीप ऑयलिंग करना शुरू कीजिए। आपने लेना है देसी घी। अच्छा, देसी घी देसी होना चाहिए, ठीक है ना, कोई मिलावट वाला नहीं चलेगा। आपको प्योर देसी घी ही लेना है। विंटर्स में हर घर में बनता है, अगर घर में नहीं बनता तो आस पड़ोस से कहीं मांग लो यार, मिल जाएगा। बट ये नहीं बताना कि सर पे लगाना है, कहेंगे लोगों को खाने को नहीं मिल रही सर पे लगा रहे हैं। आपको ऑयल को हीट करना है, माइक्रोवेव में रख दीजिए, 30 सेकेंड के लिए गर्म कर लीजिए, और गर्म करके आप इसमें चाहें तो वाइटमिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। जड़ों में अच्छे से मसाज करना है, अच्छे से बालों की जड़ों में लगाएं, पूरे बालों को कवर करें। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब अच्छे से डीप ऑयलिंग कर लेंगे अपने बालों में, तो आपने लेनी है कोई इस तरह की टोपी। इसको आपने डालना है गर्म पानी में। अब डिप करोगे तो ये फुली ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगी। आपने क्या करना है, बस इस टोपी को लेना है और अपने सर पे पहन लेना है। कोई टावल लगाने की जरूरत नहीं, कोई लंबा झंझट करने की जरूरत नहीं है। बस इस टोपी को लीजिए, गर्म कीजिए गर्म पानी में डालकर, और अगर चाहे तो उसको ओवन में 30 सेकेंड चला सकते हैं और अच्छे से हीटअप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपने सर पर टोपी पहन लीजिए, और जब आपने टोपी पहन लेनी गर्म करके, तो आपने इसको किसी भी प्लास्टिक से कवर करना है ताकि हीट बाहर ना निकले, अंदर की अंदर ही रहे, ठीक है। 1 घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद जो भी शैम्पू पसंद है ना उससे सर वॉश कर लें और देखें क्या रिजल्ट मिलता है। पहली एप्लीकेशन में ही क्या खसब का रिजल्ट आपको मिलेगा, आपके बाल फुली शाइनी होंगे, आपको पहली बार में हेल्दी लगी। वो जो मरे मरे से बाल होते हैं ना फ्रेंड्स, उससे आपकी जान छूटने वाली है अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और अपनी बहन से अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि ये रेमेडी ने आपको क्या बेनिफिट दिए। तो मिलती हूँ इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।